एक बच्चा उतरा गाड़ी से, भैया भैया करके, तो आप भगवान हो, आप ये हो, आप वो हो, दुनिया भर में। आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो गया, वो बड़ा हुआ और मैं छोटा हो गया। रफी साहब ना होते अगर, तो मैं जो अभी का सिंगर हूं उससे आधा भी नहीं होता। उस गाने को तलत महमूद जी कैसे गाएंगे, हेमंत कुमार कैसे गाएंगे, महेंद्र कपूर कैसे गाएंगे, किशोर कुमार कैसे गाएंगे, मुकेश जी कैसे गाएंगे, रफी साहब कैसे गाएंगे। हर गाने को, मेरी इतनी स्टडी है सिंगर्स पे, इतनी स्टडी है। और मैं दावे, मतलब जब इंसान अपनी मौत से समझौता कर लेता है कि मैं मरने वाला हूं, तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है हर चीज का। पैसा इंसान को अमीर नहीं बनाता, दिल अमीर बनाता है। सोनू जी, इट इज सो 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 अमेजिंग। मतलब इस इंटरव्यू के लिए जिस तरीके के वाइब्रेशंस आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, आई फाइंड इट सो फैसिनेटिंग। अब जब आपको अनाउंस भी नहीं हुआ था पद्मश्री का, आई जस्ट हैपन टू सी वन ऑफ योर इंटरव्यूज, और आपने उसमें जिक्र किया है कि जब मैं 18 साल का था तो मैं जब बॉम्बे आया हूँ तो मैं म्यूजिक म्यूजिक कंपनीज के बाहर मुझे बिठा के रखते थे, 8-8 9 घंटे में वहां पर बैठता था। और जब जब मैं रियलिटी शो का होस्ट बना, और अगर मेरे सामने कभी भी कोई कोई कंटेस्टेंट कोई भी आया, नया नया सिंगर आया, तो मैंने उनको मुझे उनको जो भी कहना था कि भाई कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं उनको इंस्टेंटली बता देता था। मैंने उनको वेट नहीं कराया कि जिस तरीके से मुझको वेट कराया गया, 8-8 10-10 घंटे मुझे बैठना पड़ता था कि जो भी कहना है आप कह दो, लेकिन यह है कि ऐसे वहां पर भी आपने वर्ड यूज किया भिखारियों तरीके से, वेट मत कराओ मुझको। तो वो एक वो दौर है, 18 साल का एक सोनू निगम, और आज का एक दौर है। यू नो दैट हैज बीन अ जर्नी, दैट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। और ये चीज लोगों ने हमेशा एक्नॉलेज करी है कि जिस तरीके से आपने मेंटोर किया है, चाहे वो शोज हो या फिर इवन अपार्ट फ्रॉम दैट, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। बहुत बार लोग अपनी जर्नी को भूल जाते हैं, और वो भी वही सब चीजें करते हैं जो उनके साथ में हुआ था व्हेन दे स्टार्टेड। बिल्कुल। मैं हर समझदार इंसान दो चीजें सीखता है अपने प्रिडिसेसर से, अपने बड़ों से। एक तो क्या करना है और एक क्या नहीं करना। तो मैंने क्या करना भी सीखा बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, और फिर ये भी सीखा कि क्या नहीं करना है। अब क्या है कि मैं जूनियर भी हूं अपने बड़ों से, और मैं सीनियर भी हूं अपने छोटों का। तो मैंने ऐसे जूनियर्स देखे हैं अभी मुझे मिलते हैं, जो पहले मेरे पैरों में ना पड़े। मैं आपको क्या बताऊं, आपको पता है कि मैं अतिशयोक्ति कुछ करता नहीं, और मेरे साथ भी बहुत लोग होते हैं इस बात को वेरीफाई करने के लिए। मेरी गाड़ी चार बंगला से कहीं में खड़ी हुई है, एक बच्चा उतरा गाड़ी से, भैया भैया करके, मैं उतरा गाड़ी से, कर मैं गाड़ी से उतरा, और वो सिग्नल में मेरे पैरों पे लौट गया। मेरी मम्मी की कसम करूंगा, वो जमीन पे, गंदगी जमीन पे सर रख के लौट गया है। भैया भैया, ये आप भगवान हो, आप ये हो, आप वो हो, दुनिया भर में वो करके। और फिर मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा हो गया, वो बड़ा हुआ और मैं छोटा हो गया। फिर उसने भलते भलते कमेंट्स शुरू कर दिए इन सब में, सोशल मीडिया पे। और मैं अकेले में बताऊंगा ये सब बातें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने जूनियर से भी सीखा है कि जूनियर कैसा बनना है। तो इनसे मैंने सीखा कि जब मैं अपने बड़ों से बिहेव करता हूं, सुरेश वाडकर जी, अनूप जलोटा जी हैं, तलत अजीज जी, कहीं भी मेरे बिहेवियर में ये ना आ जाए कि वो और कैसे आप, ये नहीं आ जाए, बैक स्लैपिंग ना आ जाए मेरे। तो मैंने अपने जूनियर से भी सीखा है कि सीनियर के साथ में कैसे बिहेव करना है। मैं हमेशा चेक करता हूँ अपने आप को कि सुरेश जी के साथ में हम बैठते हैं, बातें करते हैं, मस्तियां करते हैं। कभी कभी हम, सुरेश जी हमारे गुरु हैं, इनसे सीखा है हम लोगों ने। और अभी भी कुछ मुझे होता तो मैं उनकी वाइफ से पूछता हूँ कि कौन सा राग है, इसके थोड़ा पलटे मुझे बता दो। तो हमारा ये रिश्ता है, बावजूद उसके मेरे बिहेवियर में कभी ये नहीं आना चाहिए कि अब तो हम इक्वल हो गए,
सचिन पिलगांवकर जिनके जिनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ, जिनके घर में पहली बार जब मैं मुंबई उसमें बॉम्बे था बॉम्बे आया था, मैं फर्स्ट घर जिसके गया था वो सचिन भैया थे। ट्रेन से उतरे, होटल लिया, कपड़े बदले, स्ट्रेट सचिन जी के ऑफिस में जो हूँ मैं। सचिन भैया कि आज तक मैं पैर ही छूता हूँ, घुटने नहीं छूता, मैं उनकी उंगलियां छूता हूँ, पैर पैरों की उंगलियां छूता हूँ, मैं उनकी घुटने नहीं छूता कि पैर पहना, मैं ये नहीं करता उनके साथ में। आई लर्न इट फ्रॉम माई जूनियर्स ऑल्सो, हाउ टू रिमेन अ स्टेडी जूनियर। एक कंसिस्टेंट जूनियर रहना चाहिए आपको, ताकि बड़ों को कभी ना लगे कि यार ये तो क्या था, क्या हो गया, चल गया। सो वी कीप लर्निंग एंड आई थिंक एंड एट द सेम टाइम ऐसे कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे, मैं हिल गया कि यार मैं इनको इतना प्यार करता हूँ, वट वट इज शी और वट इज ही डूइंग, ये क्या कर रहे हैं। तो उनसे मैंने ये सीखा कि हाउ टू रिमेन फ्रेंडली, वॉर्म, कंपैशनेट, हेल्पफुल टू योर जूनियर्स। सो वी लर्न एंड मैंने अच्छी खासी जर्नी रही है। पहले भी ऐसे लोग थे जो एकदम ऐसे हाथों में ले लेते थे, और कुछ थे जो बहुत तरकाते थे, तो उनसे सीखा कि हम ऐसे कभी नहीं करेंगे लाइफ में ऐसा। तो इसलिए मैं बहुत आई एम वेरी क्लियर कि भाई नचाऊंगा नहीं मैं। आई विल ऑलवेज बी क्लियर विद माय पीपल, विद द सीनियर्स और विद द जूनियर्स। Which is amazing. Okay, and Sonia, I understand that you're extremely busy. मेरे पास एक और नो, सवाल है, थी वो मैं भी बहुत एकदम आज ठीक इम्पोर्टेंट. हूँ। आई एम ओके, यू गो ऑन। आई लव टॉकिंग टू यू, आई यू आर वन ऑफ माय No, फेवरेट I know पीपल। that. I know that. And thank you very much for that. In fact, आपने तलत अजीज साहब का आपने जिक्र किया. दुबई में मैंने जी देखा तलत अजीज साहब से, जब आप मिले तो आप कैसे मिले थे. That is something that I personally saw that. Okay, and अभी शाहिद शाहिद रफी साहब से मेरी कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई, और हम लोगों ने आपके बारे में भी जिक्र किया, जिस तरीके से डिवोशन आपका मोहम्मद रफी साहब के लिए आपका जी है. और मतलब ये यू नो ये एक बड़ी बात होती है. मैंने उनसे जिक्र किया कि किस तरीके से ऐ दिल मुश्किल में रफी साहब के बारे में जो जिस तरीके से जो भी रेफरेंसेस थे, ही डिड नॉट लाइक इट एंड द वे ही स्पोक. बिकॉज क्या होता है, आपने बहुत से आपने बड़े बड़े गाने आपने गाए हैं धर्मा प्रोडक्शंस के लिए, लेकिन जो आपका डिवोशन रफी साहब के लिए था, and you stood for that, which is fascinating. Many people they won't do that industry. Many people they would not do it. So आज जब आप पद्मश्री आपको मिला है, मोहम्मद रफी साहब की क्या अहमियत, मुझे पता है कि क्या अहमियत आपकी है, लेकिन देख, when you look at this milestone, how do you look at the contribution of मोहम्मद रफी साहब in absentia towards you? रफी साहब ना होते अगर, तो मैं जो अभी का सिंगर हूं उससे आधा भी नहीं होता। मेरे टोटल जो ग्रूमिंग अप है वो रफी साहब के गानों को सुन के, उनसे सीख के। एंड एक बात मेरे में, मैं शुक्रगुजार हूं उस बात का कि मेरे अंदर ना पकड़ने की जो शक्ति दे रखी है भगवान ने ना, मैं पकड़ लेता हूँ कि आदमी कैसे गा रहा है, गले के कौन से हिस्से से गा रहा है, और ऐसा भी कर सकता था और ऐसा भी कर सकता था पर ऐसा किया। ये इस इन सब चीज़ों में मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है, इट्स लाइक लाइटनिंग स्पीड भी चलता है। तो आई मुझे रफ़ी साहब का कोर समझ में आ गया कि रफ़ी साहब ने जो गाने गए वो तो मुझे पता ही है, बट मैंने और भी सिंगर्स को इतना सुना कि मैं एक किसी भी गाने को, छह सिंगर्स कैसे गाते मैं अभी कभी पता सब, कोई भी गाना हो उस गाने को तलत महमूद जी कैसे गाएंगे, हेमंत कुमार कैसे गाएंगे, महेंद्र कपूर कैसे गाएंगे, किशोर कुमार कैसे गाएंगे, मुकेश जी कैसे गाएंगे, रफी साहब कैसे गाएंगे, हर गाने को मेरी इतनी स्टडी है सिंगर्स पे, इतनी स्टडी है, और मैं दावे मतलब छाती ठोक के कह सकता हूँ मैं कि मेरी इतनी स्टडी है, और जितनी मेरी स्टडी है वो किसी की नहीं होगी, किसी की मतलब कोई माइकल वाले नहीं जिसकी स्टडी वॉइसेस पे, म्यूजिक पे इतनी होगी। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैं कह सकता हूँ, मुझे मालूम है मैं करता हूँ, इसी वजह से मैं कोई जो, अगर आप कहें मैं थोड़ा वर्सेटाइल हूँ तो इसलिए, क्योंकि मैंने सब सिंगर्स को ऐसे निचोड़ के घोल के दिया हुआ। मैंने कुमार शानू जी से लेकर, रोनी जी से लेकर, विनोद राठौर से लेकर, अभिजीत दास से लेकर, सुरेश जी से लेकर, एसपी बालासुब्रमण्यम, मुरारीहरन जी, ये सबको मैं, कैलाश खेर को मैं निचोड़ के दिया हुआ सबको मैंने, मैंने इतनी स्टडी कर रखी है। तो और स्टार्ट हुआ है रफी साहब से, और रफी साहब एक अलग ही लेवल है उनका। आज लोग कितना भी हमें इज्जत दें, तारीफ करें, बड़ा अच्छा लगता है कि तारीफ करते हैं, और करनी भी चाहिए भाई, हमने मेहनत तो बहुत की है,
और हमने हमारे बड़ों को बहुत सम्मान दिया है, पर एज एन आर्टिस्ट मैं जानता हूँ रफी साहब क्या चीज थे। मैं जानता हूँ, हमें मालूम है कि रफी साहब क्या चीज थे, वो किस लेवल के थे। और हमारे, मैं यही कहूंगा कि गुरु गुरु ही होता है, गुरु गुरु होता है। वो गुरु को आप छूने की कोशिश करते रह सकते हैं, पर गुरु को लांग नहीं सकते आप। आपको अपना रास्ता अलग बनाना पड़ता है, क्योंकि गुरु जहां पे बैठा हुआ है वहां उससे आगे आप नहीं जा सकते। वो इटर्निटी, वहां पे वो एक बाउंड्री है, आपको अपना रास्ता अलग बनाना पड़ेगा। यहीं पे रहेंगे तो फिर आप हमेशा नीचे पीछे रहेंगे। तो मैंने हमेशा कोशिश की कि इनको, इनका आशीर्वाद ले लेके मैं अपना रास्ता एक अलग बनाऊं। यही मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं इंग्लिश भी गाता हूँ, फिर मैं अलग अलग स्टाइल्स में कुछ करता रहता हूँ, फिर देन आई मेक माई ओन पर्सनैलिटी। मैं एंकरिंग करता हूँ, मैं शोज होस्ट करता हूँ, मैं स्टेज शोज में स्टैंड अप करता हूँ। तो मेरा एक अलग रास्ता एज ए ह्यूमन बींग मेरा है रास्ता, बट एज ए सिंगर आई नो मोहम्मद रफी क्या चीज़ है। मतलब एक अलग अलग लेवल थे, लेवल हैं, एंड वो हैं तो हम। That's amazing. सोनू जी, एक चीज के बारे में भी आई थिंक मैं बात करना चाहूंगा आपसे। मैंने एक चीज नोटिस करी है, जैसे आपने रफी साहब की आपने बात करी, रफी साहब के सर्टेन गाने जो आपके पास में हैं, जो कि आप रिलीज हैं, यू फाइंड दैट दैट एज अ ट्रेजर। और जैसे मोहम्मद अजीज साहब के लिए हम लोगों ने एक इंटरव्यू किया, यू आर सो, मतलब आई फाइंड इट सो अमेजिंग कि आई थिंक मेरे ख्याल से अगर अच्छी नीयत से कोई कोई चीज करी जाए तो उसके उसके रिजल्ट्स अच्छे ही होंगे। जिस तरीके से लोग आके उस इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं, मतलब आई फाइंड इट बैफलिंग इन अ वे। उसके अलावा वैसे भी हमेशा जिस तरीके से आप सिंगर्स के लिए आप खड़े रहते हैं, सिंगर्स के राइट्स के लिए आप म्यूजिशियन के राइट्स के लिए खड़े रहते हैं, बहुत से लोग ये मानते होंगे कि यार अपना काम करो, अपना प्रॉफिट करो, खामखा में किसी दूसरे के लिए जंग लड़ने की क्या जरूरत है, इन सबसे कोई फायदा नहीं होता। ये आपकी जिंदगी में ये जो एक सेल्फलेस अप्रोच है कुछ मामलों में, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ प्रोफेशनल स्टेज आर्टिस्ट, यू आर द हाईएस्ट पेड स्टेज आर्टिस्ट, वहां पर वो आपका वो सारी चीजें आपकी वो सब है दैट यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ। लेकिन जो आपका एक जो सेल्फलेस एलिमेंट है, जो स्पिरिचुअल एलिमेंट है, कि जहां पर आप एक ऐसा लगता है कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, अपने जमीर के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, वो एक बड़ा यूनिक एस्पेक्ट है व्हिच आई थिंक वेरी फ्यू फ्यू आर्टिस्ट दे टेंड टू हैव। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर यू? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय जर्नी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, मुझे एक बात समझ में आई है कि कहानी कुछ और चल रही है, दिखता कुछ और है, कहानी कुछ और चल रही है। और यू नो, मेरी वाइफ या मेरी वैसे बात करते हैं, बोलते हैं अरे यू शुड नॉट स्पीक अबाउट डेथ, यू शुड नॉट स्पीक अबाउट डेथ, बट मुझे लगता है कि इसमें कोई टैबू नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने मेरी मौत से समझौता कर लिया है, आई हैव मेड अ पैक्ट विद माई डेथ, क्योंकि मुझे मालूम है आनी है, मुझे मालूम है आनी है, तो मैं मुंह उधर करके थोड़ी बेटर होगा। तो मैंने आंखों में आंखें देख लिया है कि अभी आ सकती है, कल आ सकती है, हो सकता है 20 साल के बाद आए। जब इंसान अपनी मौत से समझौता कर लेता है कि मैं मरने वाला हूं और मैं हमेशा नहीं रहूंगा यहाँ पे, तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है हर चीज का। जैसे आपने कहा मैं शोज के लिए पैसे चार्ज करता हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन जब मैं बीच में, अभी पैंडेमिक था जब शोज नहीं कर रहे थे हम लोग, तो कुछ शोज हो रहे थे हमारे जो ऑनलाइन में कर रहा था विदाउट म्यूजिशियंस ऑन, ऐसे थोड़े बहुत उसके पैसे दिए मैंने मेरे शोज का, हमारे दे वर नॉट प्लेइंग विद अस, इतने कम पैसे मिल रहे थे हमको, बट आई थॉट कि उनका तो डेली का रोजगार था भाई, 1.5-2 साल से किसी के पास पैसे नहीं है, कोई इनकम नहीं है, शोज नहीं हो रहे, तो वो बेचारे कैसे करेंगे। तो जहां हम पैसे लेते हैं वो उसलिए देते हैं क्योंकि वो दे सकते हैं, जब वो नहीं, जब कोई नहीं दे सकता तो हमने फ्री में लोगों के लिए शोज कर रखे, बढ़ोतरी कर रखे, मतलब सिर्फ और सिर्फ म्यूजिशियंस के घर में पैसा आ जाए उसके लिए शोज कर रखे हम लोगों ने। बिकॉज आपको ये मालूम है कि पैसा इंसान को अमीर नहीं बनाता, दिल अमीर बनाता है, आपका दिल। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े पैसे वाले मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, और हमसे शो के लिए 2-2 लाख का नेगोशिएशन करते हैं, 2 लाख के नेगोशिएशन करते हैं। मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं जो वो मांग रहा है उसको डबल दे देता,
कि भाई तुझे, बट आई हैव सीन पीपल डूइंग, मैं बोलता अरे यार आप मत करो यार नेगोशिएशन, अच्छा ठीक है 2 लाख कम कर लो, मतलब इस तरीके से बात करनी पड़ती है हमें. एंड देन आई लुक एट माई फादर एंड आई लुक एट माई पीपल, ये पैसा वाला आदमी है, ये बिलियनर आदमी है, ये 2 लाख रुपए की बात कर रहा है आदमी. तो मैंने ये देखा कि जिगरा इंसान को अमीर बनाता है, पैसा अमीर नहीं बनाता. Okay, absolutely. All right, Sonuji, congratulations once again, and always wonderful talking to you, and all the best wishes. Looking forward to, I think it's a new journey for you from here on, and many more songs and happiness to you. Thank you very much. Thank you. Lots of love. Bye bye.